हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि योगा संत के चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे साधारणता होने वाले रोग के बारे में, और यह रोग है सर दर्द। जी हाँ दोस्तों, सर दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि मेंटली प्रेशर, अधिक पढ़ने के कारण, अधिक टीवी देखने के कारण, या फिर धूल मिट्टी में, या फिर अधिक थक जाने के कारण। बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिस वजह से हमें सर दर्द होने लग जाता है, और इन सर दर्द से हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं और फाइनली क्या करते हैं कि हम मेडिसिन लेते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी घातक होता है। और मेडिसिन हमें कुछ देर के लिए ठीक तो कर देता है, लेकिन अंततः बाद में यह काफ़ी नुकसान देता है। तो इन सभी रोगों से बचने के लिए हमें साधारणता जो है आयुर्वेदिक नुस्खों को अपनाना चाहिए। इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा तथा रोग जो है जड़ से खत्म होने लगते हैं। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कि सर दर्द को साधारणता कैसे ठीक करेंगे आयुर्वेदिक के द्वारा। दोस्तों सबसे पहला जो उपाय है वह है तेज पत्ती की काली चाय में नींबू का रस निचोड़ लीजिए, और अत्यधिक लाभ देता है, इसे आराम से पीजिए चुस्की लेकर के। दूसरा कारण है नारियल पानी में या चावल धुले हुए पानी में सौंठ का पाउडर लेप बनाकर सर में रखने से आराम मिलता है। तीसरा कारण है सफ़ेद चंदन पाउडर को चावल धुले पानी में घिसकर उसका लेप लगाने से भी फायदा होता है। चौथा कारण है सफ़ेद सूती का कपड़ा पानी में भिंगोकर माथे पर रखने से भी आराम मिलता है। पांचवा है लहसुन पानी में पीस करके उसका लेप लगा लीजिए, इससे भी आसानी होती है। और छठा तरीका है कि लाल तुलसी के पत्तों को अच्छे से कूट लीजिए और उसका रस दिन में 2 से 3 बार सर के ऊपर लगाइए, यानी कि माथे के ऊपर, इससे भी सर दर्द ठीक हो जाता है। सातवां कारण है कि चावल यानी कि धुले हुए चावल के पानी में जायफल घिसकर उसका लेप लगाने से सर दर्द ठीक हो जाता है। आठवां कारण है धनिया को कुचलकर उसका लेप लगाने से भी आराम मिलता है, क्योंकि धनिया ठंडा होता है। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अगली जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।